न्यूज पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 की सबसे बड़ी कवरेज विश्व विजेता। मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ है जीएस विवेक और हम दोनों यहां क्या करेंगे, आपको मिलवाते हैं उस पैनल से जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल पाजी, कपिल देव। आइए सर पाजी। पाजी प्लीज टेक योर सीट। और पाजी के साथ कौन है विवेक? पाजी के साथ टीम इंडिया के सबसे स्टाइलिश बैट्समैन जिन्होंने टीम इंडिया को 3 वर्ल्ड कप में लीड किया, प्लीज वेलकम मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए अजहर प्लीज टेक अ सीट। मैं आप स्टेज पर उस खिलाड़ी को बुलाना चाहूंगी जिसे आप काफी समय से एबीपी न्यूज के मंच पर देख भी रहे हैं, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल अतुल वासन भी हमारे साथ मौजूद है। अतुल प्लीज आइए। और ये पैनल कैसे कंप्लीट होगा जब तक ओपनिंग बैट्समैन टीम इंडिया का ना हो, प्लीज वेलकम शिखर धवन। तो देखिए ये बड़ा लाइनअप हमने आप सबके लिए तैयार किया है और मुझे लगता है कि मैं तो इन सब के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। विवेक हम क्या करें, हम भी ऑडियंस बन जाएंगे और ये जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हो तो ये आपस में जो बात करेंगे आई थिंक वही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाजी आई एम गोना हैंड इट ओवर टू यू। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, थैंक यू। आप अपनी जगह लीजिए, एक बार इनके लिए खूब सारी तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। पाजी हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत बोलता हूँ इसलिए आज नहीं बोलूँ। नहीं, कभी कभी इनको चुप कराना पड़ता है, मीडिया वाले चुप तो होते नहीं। मुझे मौका मिला यहाँ पर खड़े होके, अब बैठ जाओ, अब क्या तकलीफ है। नहीं हम खड़े रहेंगे। पाजी सुनिए, वो वाली कुर्सियाँ आप सबने ले ली, ये वाली कुर्सियाँ हमने ऑडियंस में बांट दी, तो कभी कभार बीच में अगर हम कूद जाएं तो प्लीज बेयर विद अस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुर्सी का शौक है तो ले लीजिए। ऑलवेज द जेंटलमैन। तालिया भाई सीट अपनी ऑफर कर रहे हैं, हम कहाँ जाके बैठेंगे वहाँ। पाजी अब मेरी रैगिंग हो गई है प्लीज। अच्छा, मैं पूछना शुरू करूं? हाँ। बिल्कुल। मैं पहले अजहरुद्दीन से पूछना चाहता हूं, आप 3-3 वर्ल्ड कप खेले, आपको कैसा लगता है कि किस तरह का प्रेशर होता है जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है भाजी, क्योंकि मैं पहला वर्ल्ड कप आपकी कैप्टनसी में खेला था। मैं कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, पर लेकिन आपकी कैप्टनसी में खेला। तो कभी भी देखिए, वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट होता है और हर टीम जीतना चाहती है, तो काफ़ी प्रेशर होता है। और जो टीम ज़्यादा प्रेशर अच्छा लेती है और ज़्यादा रिलैक्स माइंड से खेलती है और ज़्यादा अगर ज़्यादा टेंशन नहीं लेती तो वही टीम आगे बढ़ती। क्योंकि हमने जब 87 में खेला था, आई मीन बहुत अनलक्की थे हम, 87 में हम लोग सेमीफाइनल तक आके हार गए थे। बट लेकिन मैं समझता हूँ मेरा जो मेन सब में अच्छा जो वर्ल्ड कप जो मैंने खेला वो 87 वर्ल्ड कप था, क्योंकि मेरे साथ मैं कभी सोचा नहीं था कि इतने प्लेयर्स के साथ खेलूंगा और वो सब प्लेयर्स के साथ मैं खेला था और मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे खेल। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज मेरे को ये मौका मिला कि मैं ये काम कर सकूँ। मैं अतुल वासन से पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, क्या लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप बाकी वर्ल्ड कप से बेहतर होगा? नहीं, बेहतर तभी होता है जब आप जीत जाए, नहीं तो सब बकवास होता है। ये तो बात सही। और ये प्रॉब्लम आपकी शुरुआत की, क्योंकि आपने जीत के ना हमें वो लगा कि हम हर बार जीतेंगे जब आप खेलते थे, हमें लगता, क्योंकि तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब से आप जीते हैं हर बार लगता है कि हम इंडिया तो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, इस बार भी बनेगा। और वो हर कप्तान के ऊपर एक मंकी ऑन द शोल्डर है। अजहर से पूछते हैं 1983 की टीम के लिए शिखर दो बार खेला है वर्ल्ड कप, हाँ तो 83। अच्छा ये बात है, क्योंकि उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप जीते, 2011 में जीते, पर अभी भी अगर एक एक लम्हा बात की जाए ना, 83 की जो है एक मैच किसने क्या किया वो ज़्यादा याद है, क्योंकि 2011 में सिर्फ रिपीट किया धोनी ने, उसके बाद हमने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। पर इस बार क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हम कह सकते हैं, हम मीडिया वाले, आज तो हम मीडिया वाले बन गए ना, आज हम मीडिया वाले बन गए, क्या हम कह सकते हैं कि हम मीडिया वाले बहुत झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि जब इंडियन टीम अच्छा खेलती है तो हम चढ़ाते बहुत हैं और जब खराब करती है तो रुलाते बहुत हैं। हमारे क्या इंडियंस पर प्रॉब्लम है, हम खुश बहुत होते हैं और दुखी बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है कई मीडिया का हाथ है कि आपकी जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है और ये बायलैटरल सीरीज में जब रिकॉर्ड बनते हैं ना, उससे कई बार फैंस को गलतफहमी हो जाती है कि हम तो वर्ल्ड बीटर हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। अभी भी देख ले तो लगता है कि वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में आ ही गया, ये वैसे फीलिंग है ऑन द ग्राउंड। घर में है, हमें घर में रखना है।
सब कुछ ही रख लो, हमें भी रख लो, आप तो घर पे ही हैं। ABP News आपको रखे आगे।